ओके दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्रिस्टल का डो कैसे बनाया जाएगा ये आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को 125 ग्राम पटाट चिप्स लेना है और उसके बाद 120 ग्राम गुटी चार्ज लेना है। और आप लोगों को गुटी चार्ज पटाट चिप्स लेने के बाद आप लोगों को 200 ml वाटर लेना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि आप लोगों का डो जब पकाते हैं उस टाइम पर बहुत अच्छा हो जाएगा। और देख सकते हैं हम लोगों ने फिर 250 ml वाटर लिया जो कि हम इसको बॉईल करने वाले हैं। और इसको हम इसको इस तरीके से बॉईल करेंगे, आप किसी भी चीज़ में बॉईल कर सकते हो। उसके बाद हम लोग इसको जो डो लिया था हम लोगों ने पटाट, उसको आप लोग मिक्स करते हुए इस गर्म पानी को ऐड करना है। गर्म वाटर को ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा डो इस तरीके से ठीक हो जाएगा। और ठीक होते जितना आप अच्छे से मिक्स करेंगे उतना अच्छा डो होगा आपका। और उसके बाद आप लोग फिर से इसका कुक करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से आप कुक कर सकते हो। कुक करने के बाद फिर से आप इसको निकाल के फिर से इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। और दोस्तों आपको जितना देर तक पकाओगे, जितना अच्छे से पकाओगे उतने अच्छा आपका डो होएगा, ताकि आप लोगों को डो जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे कि आप लोग फट जाता है, कुछ जल्दी ठंडा हो जाता है, ऐसे दिक्कत बहुत सारे होते हैं बोलते हैं तो काफ़ी कुछ लोग, तो इसलिए आप लोगों को इस तरीके से पकाना है। जितना पकाओगे उतने अच्छा रहेगा। और हम लोगों ने काफ़ी देर तक पकाया, समथिंग 5 मिनट हम लोगों ने पकाया इसको अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने डो पका लिया और हमारा डो शायद कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारा डो कंप्लीट होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि फिर इसको हम यहाँ से निकालेंगे। और निकालने के बाद हम लोग जहाँ पे हम डिमसम बनाते हैं, हमारा सेक्शन है वहाँ पे हम चलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एरिया अच्छे से क्लीन किया और क्लीन करने के बाद हम लोगों ने डो को इसको यहाँ से निकाला है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद से ऐसे निकालेंगे। निकालने के बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कैसे मिक्स करना है इधर, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग इसके ऊपर लेंगे हाथ में और इस तरीके से आपको मिक्स करना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से मिक्स करेंगे तो और अच्छा आपका डो सॉफ्ट रहेगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं इतना क्रिस्टल दिखेंगे इसमें, अच्छे बहुत पतला दिख रहा है डो। और हम इसको आपको क्रिस्टल भी बना के दिखाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने फिर इसमें ओटी स्टार्च डाला। ओटी स्टार्च ऐड करने के बाद हम लोगों ने फिर से इसको थोड़ा सा मालिश करेंगे ताकि अपना डो सॉफ्ट रहे और बेलते टाइम पे आपको इजी रहे, ताकि काफ़ी लोग बेलने के टाइम में चिपकता है डो, है ना, ज़्यादा ओटी स्टार्च या बटर स्टार्च लगाते तो इसका इतना लगाने का ज़रूरत नहीं होगा, ताकि आप लोग पहले से ही ओटी स्टार्च लगा कर मालिश करेंगे। तो हम लोग आपको क्रिस्टल बना के दिखाने वाले कि आपका क्रिस्टल कितना अच्छा डो बनाए और कितना अच्छा क्रिस्टल दिखता है आप लोगों को दिखाएंगे। और हम लोगों ने ऑलरेडी इसका फिलिंग बना चुके हैं और फिलिंग का रेसिपी जो मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में डाला है कि कैसे बनाना है, क्या क्या डालना है, और आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों। और हम लोगों ने क्रिस्टल को इस तरीके से फोल्ड किया, आप सब लोग इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और हर कोई ऐसे फोल्ड हो जाता है, देख सकते हैं। उसके बाद फोल्ड करने के बाद जो आप लोगों का डो बचा उसको हम निकालेंगे थोड़े से, उसके बाद इस तरीके से बनाएंगे। और देख सकते हैं दोस्तों हमारा क्रिस्टल विदाउट स्टीम इतना अच्छा हुआ। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।